चंपत राय। उस गीदड़ को भी हमने शेर की मौत मारा था मौलवी, क्योंकि आलमगीर औरंगजेब गीदड़ों का शिकार नहीं करता। सुना है इस छत्रसाल को शेर बनने का बड़ा शौक है, तो बन जाने दो उसे थोड़ा और शेर, तब मारेंगे उसी बेरहमी से जैसे इसके बाप को मारा था। ये घाव आपके शरीर पर नहीं, हमारे हृदय पर लगते हैं। ये घाव तो एक क्षत्रिय का गहना है। हमारे यहां तो यही रिवाज है, एक बाप अपने बेटे को विरासत में सोना चांदी देकर जाए ना जाए, हिम्मत और शौर्य जरूर देकर जाता है। बड़े महंगे गहने हैं आपके, दिन रात खतरों से घिरे रहते हैं आप, सदा ईश्वर से आपकी कुशलता की विनती करते रहते हैं। कभी कभी तो हमारा कलेजा मुंह को आ जाता है, हमेशा चिंता बनी रहती है। चिंता तो अब चौगनी हो जाएगी। बैठो बैठो बैठो। ऐसा क्या हो गया है भैया जू? सांप के बिल में हाथ जुड़ाल दिया इन्होंने। अपने पतिदेव से ही पूछिए, सीधे औरंगजेब को उसके सेनापति का सर काट करके भेज दिया इन्होंने। छत्ता, क्रोध में कभी कभी तुम अपना आपा खो देते हो। गुस्से में नहीं भैयाजू, जो किया है सोच समझ कर किया है। शतरंज की तो ये बिसात है, दो सीधी चालें चलने के बाद एक टेढ़ी चाल चलनी पड़ती है ताकि सामने वाला बौखला जाए, क्योंकि बौखलाहट में ही बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। मुझे तुम्हारी सोच पे संदेह नहीं है छत्ता, लेकिन अब सचेत रहना, औरंगजेब तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ने वाला है। सांप को बिल से निकालने के लिए बिल में आग लगानी ही पड़ती है। अब ये लड़ाई नहीं, आजादी का युद्ध है। युद्ध, अब तो दांव भी पड़े होंगे और घाव भी। अब हमारा सपना केवल बुंदेलखंड तक नहीं, अब हम पूरे भारतवर्ष को मुगलों के आतंक से आजाद कराना चाहते हैं। और अगर परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो हम जरूर कामयाब होंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। अब तुम्हारी सोच के हिसाब से अगली चाल क्या होगी? हमारा अगला प्यादा होगा ओरछा का राजा सुजान सिंह, और हमारी अगली चाल इस छोटी लेकिन कई मामलों में बड़ी विजय के बाद छत्रसाल के हौसले बुलंद थे। वो ये भी जानते थे कि यही सही समय है सारे बुंदेलखंड को एकता के एक सूत्र में बांधने का। जो राजा आज तक उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे, वही राजा आज उन्हीं से बुंदेलखंड की आजादी की आस लगाए बैठे हैं। जो आज तक उन्हें एक अति उत्साही लड़ाका मानते थे, वही उन्हें अब एक गंभीर और विचारशील योद्धा मानने लगे थे। छत्रसाल ने अपनी मेहनत और लगन से ये नाम कमाया था, लेकिन औरंगजेब जैसे अति बलशाली शत्रु से पार पाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी सेना और तोप खाने की जरूरत थी, जो कि इतने कम संसाधनों में एकत्रित कर पाना असंभव था। इसलिए उन्होंने एक अनोखी युक्ति लगाई। उन्होंने समाज के हर तबके से ऐसे ऐसे लोगों को अपनी सेना में शामिल होने का आह्वान किया जो या तो समाज के द्वारा ठुकराए हुए नायाब दानिशमंद नगीने थे, या फिर अपना सर्वस्व सिर्फ अपनी मातृभूमि पर होम कर देना चाहते थे। कुछ ही दिनों में छत्रसाल की सेना में शामिल होने वालों की भीड़ जुटने लगी।
उन्होंने अपनी सेना में हर धर्म संप्रदाय और जाति के लोगों को भर्ती किया। वो ये मानते थे कि युद्ध में शामिल होने वाला हर योद्धा बराबर के सम्मान का पात्र होता है, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। हम पहले सुजान सिंह की शक्ति परखेंगे और फिर हमला बोलेंगे। इसके लिए हमें दो टुकड़ियां बनानी होंगी। लेकिन ये दो टुकड़ियां बनाएंगे कैसे? मुट्ठी भर तो लोग हैं हम, और वो भी ऐसे लोग जो ना हथियार चलाना जानते हैं और ना ही जिन्हें युद्ध कला की समझ है। तो फिर हमारी सेना में वो लोग होने चाहिए कि हमारे 10 उनके 1000 के बराबर हों। अर्थात हमें ऐसे खास लोग चाहिए जो किसी खास विद्या में माहिर हो। मतलब ऐसे लोग कहां से लाएंगे हम? जब ढूंढने से ईश्वर मिल जाते हैं भैया जू, तो ईश्वर के बंदे भी मिल ही जाएंगे। किसी देश का परचम हवा से नहीं, देश प्रेम के लिए समर्पित देशवासियों की सांसों से लहराता है। ये देश उन घुसपैठिए मुगलों का नहीं, ये देश हमारा है। जिन मुगलों का इतना डर है आपके दिल में, ये उन्हीं में से एक है। इसकी क्रूरता के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। कौन है ये? किसकी लाश है? मुगलों का खास सेनापति फिदाई खान। इसके कर्मों की सजा इसे मिल चुकी है। इसका सर काटकर हमने औरंगजेब को भिजवा दिया है। क्या अब भी आपको अपने पर विश्वास नहीं कि हम उनसे लोहा लेने के काबिल हैं? आप सभी माताओं बहनों ने इतिहास पुराणों में सुना ही होगा, जब जब हमारी अस्मिता और संस्कृति पर संकट आया है, तब तब नारी शक्ति ने अपने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर बलिदान और त्याग का जौहर दिखाया है। आज ये मुगल हमारे पतियों को, हमारे भाइयों को, हमारे बेटों को जबरदस्ती उठा कर ले जा रहे हैं, हमारी मर्यादा को ललकार रहे हैं। आज अगर हमने इनके सामने घुटने टेक दिए, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। क्या मुगल सिपाही कहलाने पर गर्व महसूस करेंगे आप? दो वक्त की रोटी के लिए अपने भाइयों, अपने देशवासियों पर तलवार चलाने को कहेंगे तो क्या करेंगे आप? थोड़ा विचार करो दोस्तों। गुलाम बनके जो खून खराबा मुगलों की ताकत बढ़ाने में करोगे, क्या वो अपने सम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए नहीं कर सकते? माफ कीजिएगा कुंवर जी, हम गरीब की परेशानी नहीं समझ पाएंगे। एक तो हम गरीबी के सताए हैं, आपके साथ लड़ते रहने में हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो दोस्त?
तीन महीने से एक बूंद पानी नहीं बरसा है हमारे खेतों में। न खाने को रोटी है, न पीने को पानी। ऐसे में बूढ़े माँ बाप को देखूं, या मेरे बच्चों को, या मुगलों से लड़ूं। भूख भी बड़ी जंग होती है कुंवर जी, माफ कीजिए। इतने सारे मुगल और हम 550, आप शायद हमारी बुनियादी दिक्कतों को नहीं समझ पा रहे हो। हमारी बहनें दिन के उजाले से भी उतना ही डरती है जितने की रात के अंधेरे से। जंगल बन गए हमारे गांव इन भेड़िया मुगलों की वजह से। अत्याचार को सहते रहना ही उसे बढ़ाने में मददगार होता है। अगर हम सब ठान ले कि हमारे पति, हमारे बेटे मुगलों के लिए नहीं बल्कि हमारे मातृभूमि के लिए लड़े, तो उनकी औकात क्या है जो हमारी ओर आंख उठाकर भी देखे। हमें अपनी रक्षा के लिए खुद खड़ा होना होगा, तब जाके हम हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल कायम कर पाएंगे। तुम ठीक कह रही हो बेटी, हम किसी भी कीमत पर जुल्म का सामना करेंगे। हम तन मन धन से इस स्वाधीनता की लड़ाई में अपनी सेना का साथ देंगे। हम साथ देंगे। बुनियादी दिक्कतें, कायरों की तो बुनियाद ही नहीं होती। हमारा विवेक भी हमसे यही कहता है। हमारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये मुगल ही है। वो हमारे खून पसीने की कमाई को लूट कर ले जाते हैं और हम तमाशा देखते खड़े रह जाते हैं। समय आ गया है कि हम एकजुट हो जाएं और उन लुटेरों को मार भगाएं और अपने बुंदेलखंड को सदा के लिए आजाद कराएं। हमारे संकल्प के पीछे कोई न कोई ईश्वरीय इच्छा भी है जो हमें बार बार प्रेरित कर रही है। अब सोचने की नहीं, चलने की घड़ी है। बाके बुंदेली वीरों, उठो और अपनी मातृभूमि पर यश की विजय पताका लहराओ। वो समझते नहीं, उनको लगता है कि मैं पागल हूं। पर हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस वैज्ञानिक विद्या से कृत्रिम बारिश करना संभव है। मैं कहता हूं कि संभव है। मैं कहता हूं संभव है। आपने ये गोला कैसे बनाया दद्दाजू? तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? मेरा नाम, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सब तशरीफ हटाओ और चलो यहां से। ए, हटाओ यहां से। यहां किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है दादाजू, हमें आपकी जरूरत है। हम जिस विशेष विद्या की बात कर रहे थे, ये वही है। आज से वैज्यू भी हमारी सेना का हिस्सा होंगे। तुमने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारी सेना में शामिल होना चाहता हूं कि नहीं? वैज्यू, क्या आप हमारी सेना में शामिल होना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। आज मैं थोड़ा व्यस्त हूं। हाँ, कल से आ जाऊंगा। Hey!
निकल निकल यहाँ से, बोला ना कल आ जाऊंगा, निकल निकल। आइए वैद्य, आप हमारे लिए वैसे ही गोले बनाइएगा जैसे आपने बारिश लाने की प्रक्रिया में उपयोग किए थे। हम सुजान सिंह के महल को हर तरफ से घेर लेंगे, उसे लगेगा कि हम सामने से वार करने वाले हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दादाजू, ये गोला तो फटा ही नहीं। ये नहीं फटा तो दूसरा गोला फटे, दूसरा दागो। छत्ता, ये धमाका क्यों नहीं हुआ अभी तक? होगा भैया जो, थोड़ा धीरे चलिए। लगता है वैजू ने अपने उम्र के हिसाब से गोला बनाया है। कुंवर जू, उनको इतना समय क्यों लग रहा है? भैया जू कहां गए? हाँ? अभी तो यहीं पर थे, कहां चले गए वो? दूसरे दरवाजे पर धमाका हुआ है, चलो। सुजान सिंह, बाहर निकल और हमारा स्वागत कर। कब तक अपने मिल में छुप कर बैठेगा? बाहर निकल वरना घुस कर मारूंगा अंदर। अकेला आदमी आया है, या तो ये पागल है या फिर आत्महत्या करने आया है। खड़े क्या हो तुम लोग, खत्म कर दो इसे। गिरफ्तार कर लो इन्हें। कैसी बात कर रहे हो छत्ता, खत्म कर देते हैं इसे अभी। नहीं भैया जी, इन्हें बंदी बनाकर हमारे दरबार में पेश किया जाए। ये गद्दार हो सकते हैं, हम अन्यायी नहीं। इनका पक्ष सुने बिना इनकी सजा का निर्णय नहीं करेंगे। ले जाइए इन्हें।
शायर कहीं का, मेरा वश चलता तो मैं इसे गोले से उड़ा देता। गोले की बात मत करो धुरमंगत, तुम्हारे गोले के फटने की प्रतीक्षा करते रहते तो सुबह तक यहीं खड़े होते। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आई कि गोला आखिर फटा क्यों नहीं। लगता है वैजू से योजना समझने में हमसे कोई भूल हो गई। इधर छत्रसाल अपनी सेना को बढ़ाने में व्यस्त थे, तो उधर मुगल बादशाह औरंगजेब एक अलग ही खेल खेल रहा था। औरंगजेब को ऐसे ही आलमगीर नहीं कहते थे, उसको सिर्फ और सिर्फ जीतना ही आता था। हारना उसने कभी सीखा ही नहीं। वो दिन रात हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम लहराने के जुनून में लगा रहता था। छत्रसाल की इस हरकत से वो तिलमिला गया। वो अपने सिपह सालारों की छोटी से छोटी गलती भी माफ नहीं करता था। इसलिए उसे जब बहादुर खान की भूल का पता चला तो उसने उसे अपने महल में आने का हुक्म दिया। आओ बहादुर खान, आओ आओ। अरे खेलो मियां। और मात आप बड़े कमाल के शातिर खिलाड़ी हैं बहादुर खान। आजकल कैसे कैसे नाचीज मुगलिया सल्तनत की शान में गुस्ताखी करने लगे हैं। राजस्थान में राजपूत, दक्खन में मराठा, पंजाब में सिख और बुंदेलखंड में छत्रसाल किसी को नहीं बख्शेंगे, सबको खत्म करेंगे, सबको। ये क्या है बहादुर खान? चाबुक है। क्या किया जाता है इससे? जापाना ये कोड़े कोड़े बरसाने के काम आता है। तो बरसाइए। हुजूर, हम अपना फरमान दोहराएंगे नहीं बहादुर खान। माफी बख्शी जापना, वो पता नहीं कैसे बस निकला, हमने तो उसे लगभग खत्म ही कर दिया था। हाँ तो ठीक है, अब अपने जिस्म पर तब तक कोड़े बरसाइए जब तक आप लगभग खत्म नहीं हो जाते। वाला खान, या अल्लाह, जहां पर का एक बाल बुलंद हो। सुजान सिंह की हार में बहुत महंगी पड़ेगी रोहल्ला खान। दक्खन का इलाका हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। बेशक हुजूर, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। चुनिंदा सिपाहियों के टुकड़े तैयार करो, हम खुद उन इलाकों का मुआयना करेंगे।
और कल सुबह तुम बुंदेलखंड के लिए कूच करोगे। और ध्यान रहे, तब तक वापस नहीं आओगे जब तक छत्रसाल को गिरफ्तार नहीं कर लेते। छत्रसाल, हमें जिंदा चाहिए। आपका हुक्म सर, आंखों पे हुजूर। इजाजत दें। लेकिन इससे पहले हमें छत्रसाल के पैगाम का माकूल जवाब देना होगा। इतना सोच विचार क्यों दाऊजू? क्या आपको याद नहीं, आपके माता पिता के मृत्यु में इनके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ था। तब ओरछा से वीरता विदा हो चुकी थी महाराज। समझता हूं कि अपनों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भाव से प्रेरित होकर हमारे पूर्वजों ने जिस कमजोरी का प्रदर्शन किया, उसके लिए हमें खेद है महाराज। चुप! जा ऊपर जाकर अपने बाप को बुला कर ला। यदि वो नीचे आकर हमसे क्षमा मांगेगा तब जाकर हम तुम पर विश्वास करेंगे। बेशरम, तू हमें चतुराई दिखा रहा है। मुगलों का मनसब खाके तेरे संस्कारों से धोखेबाजी की दुर्गंध आने लगी है। आप हमें आदेश करें। जान के बदले जान, अगर यही रीत होती तो पूरी दुनिया अब तक शमशान बन चुकी होती है। निसंदेह भैयाजू, इनके माता पिता ने बहुत बड़ा देशद्रोह किया था, लेकिन क्या उनकी गलतियों की सजा इनको देना उचित होगा? ये कैसी बातें कर रहे हो चत्ता? औरंगजेब की छत्रछाया में रहकर इसने हमारे अपनों पर बहुत जुल्म ढाए हैं। मानता हूं ये रास्ता भटक गए थे, लेकिन राजनीति का धर्म तो यही कहता है कि ईर्ष्या, द्वेष और बदले की भावना से ऊपर उठकर वर्तमान संभावनाओं पर गौर करें। तो तुम कहना क्या चाहते हो छत्ता? हम इसे ऐसे ही छोड़ दें? जहरीला सांप है छत्ता, मौका पाते ही फिर डसेगा। हमारी बात मानो। नहीं भैया जू, हम इनको ऐसे नहीं जाने देंगे। आज से ये हमारे साथ, हमारी सेना में मुगलों के खिलाफ लड़ेंगे। असंभव। सांप अपनी केचुली छोड़ सकता है, जहर नहीं। उसे पालतू बना लेने से वो वफादार नहीं हो सकता है। नहीं धुरमंगत, हमने इनकी आंखों में पश्चाताप की अग्नि को जलते देखा है, जो क्षमा रूपी जल से ही बुझेगी। क्षमा वीरस से भूषणम, क्षमा वीरों को ही शोभा देती है। क्या कहते हैं सुजान सिंह, मुगलों की वफादारी या बुंदेलखंड की आजादी? अपनी जन्मभूमि की सौगंध खाकर कहता हूं छत्रसाल, कि आज से इसी के लिए जीऊंगा और इसी के लिए मरूंगा। आइए, हमारे गले लग जाइए। आपने आज हमें केवल जीवन दान ही नहीं, बल्कि जीने की उचित वजह दी है। हमारे दामन पर लगे देशद्रोह के कलंक को मिटाने का अवसर दिया है आपने। वादा है हमारा आपसे कि दुनिया सुजान सिंह और उसकी आने वाली पीढ़ी को देश प्रेम के लिए हमेशा याद रखेगी।
मुगल जब सामने से वार करके छत्रसाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके तो उन्होंने छुप कर वार करने की योजना बनाई। एक अमावस की रात घनघोर अंधेरे में छत्रसाल के महल को चारों ओर से घेर लिया जाता है। ये रात छत्रसाल के जीवन के लिए बड़ी भारी रात थी। महल के चारों ओर अनजान साए हाथों में मशाल लिए छत्रसाल की जान लेने के लिए तैयार थे। चारों तरफ कड़ी निगरानी रखना। इधर लाओ। ऊपर ही रुको।
क्या हुआ दाजू? और ये कौन है? औरंगजेब के भेजे छुरेबाज, विशेष प्रशिक्षित हथियारे। ये खास लोगों के लिए भेजे जाते हैं। स्वामी! देव, 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 क्या हुआ? से आए हो तुम हमारे रखवाले बनकर? तुम्हारा रंग तो चितकबरा है ना, तो फिर आज से हम तुम्हें कबरा बुलाएंगे।
ਕਾਸ ਕੀ ਲਕੀ ਕਨੇ ਉਤੇ ਦਿਖਾ ਲਖੋ ਭੁਜ ਭੁਜ ਕੇਸ ਕੀ ਮੇ ਰੰਗਨੀ ਭੁਜੰਗਨੀ ਸਿਹੇ ਦਿਖੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਉਲਧਨ ਕੇ ਅਖਤਰ ਬਾਖਰਨ ਵਿੱਚ ਧਸੀ ਜਾਦੀ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਮਾਰ ਜਾਤ ਪਰਵਾਹ ਜੋ ਜਲਨ ਕੇ ਹੈ ਰਾਮ ਚੰਪਤੀ ਕੇ ਛਤਰਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਕੇ ਕਰੀ ਬਖਾਨ ਕੋ ਬਲਨ ਕੇ ਬਚ ਪਰ ਛੀਨੇ ਸੇ ਪਰੇ ਪਰ ਛੀਨੇ ਵੀਰ ਧੇਰੀ ਵਰ ਛੀਨ ਵਰ ਛੀਨੇ ਹੈ ਖਲਨ Thank you.